अल्लाह के कोमल हृदय उठाए। हेलो मजे भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अरे साली साहिबा, कैसी हैं आप? सॉरी फोन उठाने में कुछ देर हो गई। नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। कैसे हैं आप? कैसा है आप? बस गुजारा चल रहा है, और आपको पता है इस गरीबी में गुजारा करना कितना मुश्किल है। सुसर साहब ने वादे तो बड़े बड़े किए, अब देखते हैं पूरे कितने करते हैं। नहीं होंगे पूरे, जरूर पूरे हो जाएंगे जल्दी। अब इन चीजों में वक्त तो लगता है ना। खैर वो कोमल कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है? कोमल ठीक है, बल्कि बिल्कुल मजे में। मेरी बात हो सकती है उससे? कोमल इस वक्त सो रही है, उठेगी तो आपकी बात करा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये अनमोल आजकल कुछ ज्यादा ही तुम्हारा पूछना नहीं शुरू हो गई? बोलो बोलो बोलो। ये मीसनी तुम्हें कुछ नहीं बताएगी, तुम बस मेरी बात सुनो। तुम यहां खड़ी क्या मेरा मुंह टुकर टुकर देख रही हो? जाओ जाके अपना काम करो, किचन को भी देखना है, जाओ। इन लोगों को ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ख्याल आ रहा है तो ले जाए वापस अपना तोहफा। वो इसके जैसी मीसनी नहीं है, तुम खुद ही देख लो। उसके कपड़े, उसका अंदाज बड़े नेम वाले हैं। मैं तो कहती हूँ कबीर मियाँ से जो हाथ आए ले लो, अनमोल को शीशे में उतार लो। वो इसके जैसी सीधी नहीं है अम्मा, इतनी आसानी से हमारी मुट्ठी गर्म नहीं करेगी। है तो वो भी उस कंजूस कबीर की बेटी। ए, तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी जाते ही तुम उसके आगे हाथ फैला दो। पहले ठीक से सोच लो, उसके ऑफिस का पता करो, क्या काम करती है, तनख्वाह कितनी है, फिर वार करो। भाई मैं तो ये बात जानती हूँ कि सगी फुफो ने बिला वजह नहीं कोमल से रिश्ता तोड़कर अनमोल के साथ जोड़ा, और दुआ भी वही, भर भर के जहेज भी लाई और वो बैठे उसकी कमाइयां भी खा रहे हैं। हमारी भूसी जब देखो रोना। हाथ में वजन तो है आपके अम्मा,